मैंने 3 दशहरी आम लिया है। आज हम आम पापड़ बनाने जा रहे हैं। दशहरी आम बहुत मीठा होता है, इसके हम छिलका निकाल के और पल्प को मिक्सर जार में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, बारीक पीस लेंगे इसको। बहुत मीठा होता है दशहरी आम और बहुत टेस्टी भी होता है। इसके आम पापड़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसको मैं पैन में डाल दूंगी और पैन में डालने के बाद इसको चलाएंगे तब तक जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। उसके पहले मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि दशहरी मैंगो बहुत मीठा होता है, इसलिए इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ही चीनी डाली है। और इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे और एक थाली ले लेंगे, उसमें बटर लगा लेंगे और बटर लगाने के बाद उसमें मैं आम का पूरा प्यूरी इसमें डाल दूंगी। देखिए, डाल के अच्छे से हम इसको फैला लेंगे और अच्छे से फैला के इसको छत पे धूप से अच्छे से रखने के लिए देखिए ऐसे धूप रखने के लिए रख देंगे थाली को। थाली को चुनी से ढक के रखना है। देखिए हमारा आम पापड़ कितना अच्छा बना है। अब इसको हम काट लेंगे अपने इस सहूलियत के हिसाब से और रोल करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बना है। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।